हाँ सम का यूज होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह की नाउन के लिए. ओके और एनी का यूज होता है जो सिर्फ काउंटेबल चीजें होती है. अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे राइट. अब जैसे यहाँ पर है आई हैव गॉट डैश न्यूज फॉर टिम, क्या आना चाहिए यहाँ पर? एनी आना चाहिए. व्हाट डू यू से? एन न्यूज आना चाहिए. चलो मीनिंग बता दो यश इसी नाम पर. आई हैव गॉट, ये हैव होता है ना, मेरे पास है. क्या चीज है? न्यूज है. किसके लिए न्यूज है? टिम. फोर टिम यानी मेरे पास टिम के लिए न्यूज है. आई हैव गॉट अ न्यूज आएगा. आई हैव गॉट अ न्यूज फोर टिम. नंबर टू बोलो. हम इसे आर नॉट कहते हैं. देयर आर नॉट. अब ये देखो हमें बनानास से पहले लगाना है. ये है प्लूरल, बनानास लिखा है ना, तो ना तो ए आ सकता है ना एन आ सकता है. ये कह रहा है, कह क्या रहा है पहले इसका मीनिंग तो बताओ मुझे यश. देयर आर नॉट. देयर का मतलब हेयर. देयर क्या होता है? है ना. देयर का मतलब होता है वहां. हेयर का मतलब यहाँ. देयर आर नॉट, वहां नहीं है. क्या नहीं है? बनानास नहीं है. कहाँ पर नहीं है? ऑन द टेबल. टेबल पर बनानास नहीं है. तो क्या आना चाहिए? ए और एन तो नहीं आ सकता है क्योंकि ये प्लूरल है. तो क्या आना चाहिए? देयर आर नॉट एनी बनानास ऑन द टेबल. सम नहीं आ सकता है. अगर सम लिखते तो देखो इसका मतलब होता वहां कुछ बनानास नहीं है. ये तो गलत ही सेंटेंस है हिंदी में. ट्रांसलेशन में भी देखो तो यहाँ पर आएगा वहां कोई बनाना नहीं है. कोई भी बनानास नहीं है. नेक्स्ट रीड करो लकी. Have you got dash brothers or sisters? Have you got तुम्हारे भाई और बहन नहीं है? हैव यू गॉट, यहाँ पर ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ध्यान दिया करो, क्या तुम्हारे भाई या बहन है? तो क्या आना चाहिए? देखो यहाँ पर ये ध्यान दो, ब्रदर्स और सिस्टर्स प्लूरल है. हाँ. तो ए और एन तो आएगा ही नहीं, डेफिनेटली नहीं आएगा. सम आएगा कि एनी आएगा? एनी आ सकता है यहाँ पर और कुछ नहीं आ सकता. हैव यू गॉट एनी ब्रदर्स और सिस्टर, क्या आपके कोई भाई या बहन है? ऐसी बन सकता है. फोर्थ का आंसर यश बताओ. आई डोंट नो इफ देयर इज दैट मिल्क इन द फ्रिज. तो ये क्या कह रहा है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. क्या नहीं पता मुझे? इफ कि दूध फ्रिज में है कि क्या फ्रिज में दूध है भी कि नहीं है. अब दूध के लिए क्या मैं एक लगा सकती हूँ, ए या एन कह सकती हूँ? दूध अनकाउंटेबल है बेटा, तो ए और एन तो आ ही नहीं सकता और एनी भी नहीं आ सकता क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के लिए लगता है. सिर्फ सम आएगा. आई डोंट नो इफ देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, ऐसे होगा ये. ठीक है. नेक्स्ट इज फॉर यू यश. ओके लकी. क्या नमक में साबुन है? नमक में साबुन ये कह रहा है देयर इज नॉट, नहीं है. क्या नहीं है? सॉल्ट. किस में नहीं है सॉल्ट? सूप में. ये सोप नहीं है, सूप है बेटा ये. तो सूप में सॉल्ट नहीं है. तो सॉल्ट को क्या हम गिन सकते हैं? ए या एन आ सकता है? सब. ए और एन तो बिल्कुल नहीं आएगा. सॉल्ट को हम एनी कह सकते हैं कि सूप में बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं है. एनी सॉल्ट आएगा. ठीक है, जरा सा भी सॉल्ट नहीं है. नंबर सिक्स रीड करो यश. देयर आर डैश मिस्टेक्स इन योर टेस्ट. हाँ, क्या मीनिंग बना? तुम्हारे टेस्ट में मिस्टेक्स है. अब यहाँ पर मिस्टेक्स है यानी कि प्लूरल है,
तो ए और एन तो आएगा नहीं, फिर क्या आना चाहिए? सम या एनी? नहीं, यहाँ पर आएगा देयर आर सम मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स है आपके टेस्ट में, है ना। नंबर सेवन, सी गॉट दिस ब्यूटीफुल फोटोज ऑफ पेयर्स। व्हाट इज पेयर्स? पेयर्स पेरिस। शी हैज गॉट, हाँ उसके पास है, क्या है उसके पास? ब्यूटीफुल फोटोज ऑफ पेरिस। अब फोटोज है ये भी ना, यानी कि नाउन जो है वो ब्यूटीफुल फोटोज है, तो क्या इससे पहले आना चाहिए? ब्यूटीफुल नहीं, फोटोज है ये, तो इसी का एडजेक्टिव है ना। ये तो मैम प्लूरल है। हाँ ये प्लूरल है, ए और एन तो बिल्कुल नहीं आएगा, फिर क्या आ सकता है? हाँ तो हम कहते हैं मेरे पास नहीं, शी उसके पास पेरिस की कुछ फोटोज है, शी इज गॉट सम फोटोज। नंबर एट रीड करो यश। इज देयर शुगर इन द कॉफी? हाँ क्या चाय में कॉफी है? हाँ ये भी क्वेश्चन मार्क है, इज देयर शुगर इन द कॉफी, तो यहाँ क्या आना चाहिए? कॉफी में चीनी है। शुगर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ए और एन आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। एनी आएगा, अभी हमने बात की थी एनी सॉल्ट, है ना, तो यहाँ भी आएगा। इज देयर एनी शुगर इन द कॉफी, यानी कॉफी में शुगर है? नंबर नाइन, ये गैराज है, गैराज होता है ना, हाँ वह कार गैरेज में है। देयर इज, ठीक है, नहीं जिसमें कार खड़ी होती है, पार्किंग वाला, हाँ तो क्या आना चाहिए? वह कार गैरेज में है, इसका आएगा ए आएगा, ए कार आएगा, यानी देयर इज अ कार इन द गैरेज, गैरेज में एक कार है। वुड यू लाइक डैश चॉकलेट? क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन, यस, तो आना क्या चाहिए ये तो बताओ। वुड यू लाइक अ चॉकलेट, क्या तुम्हें एक चॉकलेट पसंद है? प्लूरल होता तो वी कुड हैव थॉट अबाउट सम चॉकलेट्स एनी, लेकिन ये सिंगुलर है तो आ चॉकलेट। अब एक काम करिए, बाकी क्या आप इसे घर से करना।